तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेल वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिम्मतनगर से लेकर के खेड़ ब्रह्मा तक बनने वाली नई रेल लाइन परियोजना, या मैं बोलूँ दोस्तों हिम्मतनगर खेड़ ब्रह्मा आमान परिवर्तन परियोजना के अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, करते हैं आज के इस वीडियो को शुरू और जानते हैं पूरे मामले के बारे में। मेरा नाम है नितिन और आप लोग देख रहे हैं रेलवे इंक्वायरी यूट्यूब चैनल। वो आपको अपने आप करना पड़ता है जी। तो दोस्तों, खेड़ ब्रह्मा जो कि गुजरात का एक छोटा सा गांव, या मैं बोल सकता हूँ दोस्तों एक छोटा सा एरिया है हिम्मतनगर से, दोस्तों उसका जो रूट था मीटर गेज सेक्शन में वो पहले बना हुआ था। अहमदाबाद उदयपुर सेक्शन भी दोस्तों पहले मीटर गेज में था, लेकिन दोनों ही रेल लाइनों को साथ में बंद कर दिया गया है। और अभी के टाइम में अगर हम देखें तो दोस्तों हिम्मतनगर जो है वो जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, क्योंकि हिम्मतनगर से एक जो रेल लाइन निकल रही है वो ब्रॉड गेज की रेल लाइन है, और जो दूसरी रेल लाइन है दोस्तों पहला तो वो मीटर गेज सेक्शन है और दूसरा ये है कि दोस्तों उस मीटर गेज सेक्शन को बंद कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हिम्मतनगर जो है दोस्तों मीटर गेज के टाइम पर जंक्शन हुआ करता था, लेकिन अभी के टाइम में ये जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द हिम्मतनगर जो है वो आने वाले टाइम में जंक्शन रेलवे स्टेशन बन जाएगा। मीटर गेज के टाइम पर दोस्तों अहमदाबाद से लेकर के खेड़ ब्रह्मा तक दो मीटर गेज पैसेंजर ट्रेनें चला करती थी, जो कि अपने इस पूरे रूट को कवर करने के लिए तकरीबन दो घंटे का समय लिया करती थी। हिम्मतनगर से खेड़ ब्रह्मा का जो डिस्टेंस है तकरीबन 55 किलोमीटर लंबा रूट है दोस्तों ये, और 55 किलोमीटर का जो रूट है इसे अब भारतीय रेलवे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने वाली है। 482 करोड़ रुपए का जो बजट है दोस्तों भारतीय रेलवे ने निकाल करके दे दिया है, जिसमें से दोस्तों इसका जो भी वर्किंग होने वाली है उसके अकॉर्डिंग इस बजट को बांट दिया गया है। हालांकि अभी इसके जो टेंडर है वो जारी नहीं किए गए हैं, आने वाले 6 महीनों में इसके जो टेंडर हैं वो भी जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद में दोस्तों ब्रॉड गेज के लिए एक बार फिर से सर्वे किया जाना है। 55 किलोमीटर का ये जो रूट है दोस्तों, इसमें जो 405 यानी कि दोस्तों तकरीबन 405 किलोमीटर करोड़ रुपए का जो बजट है दोस्तों वो कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए दिया गया है इस पूरे 55 किलोमीटर के रूट पर। और हम बात करें दोस्तों 9 करोड़ रुपए जो है वो इस रूट पर स्टेशन के अंदर लगने वाले विद्युत इंस्ट्रूमेंट्स के लिए दोस्तों, यानी कि इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 9 करोड़ रुपये का बजट अलॉट किया है। वहीं हम बात करें दोस्तों 21 करोड़ रुपये का जो बजट है दोस्तों इस पूरे रूट पर पड़ने वाले सिग्नल्स, या मैं बोलूँ टैली लाइन्स का जो सिग्नलिंग का कार्य किया जाएगा उसके लिए दोस्तों 21 करोड़ रुपए का बजट निकाला गया है। और वहीं हम बात करें तो इस रूट को दोस्तों साथ के साथ इलेक्ट्रिफाइड भी किया जाना है, तो 47 करोड़ रुपए का जो बजट है वो दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तैयार कर दिया गया है। अब जल्द से जल्द इसके लिए जो टेंडर निकाले जाएंगे उसके बाद में दोस्तों ब्रॉड गेज के लिए इसके सर्वे भी किया जाएगा, और उसके बाद में कहीं जाकर के दोस्तों इसका जो कार्य है आने वाले टाइम में वो चालू किया जाएगा, यानी कि 2023 के मिड एरिया तक, या दोस्तों 2023 के लास्ट तक इस रेल लाइन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। और इसकी जो डेडलाइन रखी गई है दोस्तों वो रखी गई है 2028 की, यानी कि दोस्तों तकरीबन अगले साल से काम चालू होने के बाद में तकरीबन 4 से 5 साल का समय इस रेल लाइन को बनने में लग जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन मेरे अंदाजे से दोस्तों 2026 तक इस रेल लाइन को बनकर के तैयार हो जाना चाहिए। और दोस्तों ये जो रेल लाइन है अगर आगे अंबाजी तक जाकर के मिलती है, जो कि दोस्तों अंबाजी से लेकर के आबू रोड तक एक सेक्शन बनाया जा रहा है, अगर ये रेल लाइन उस सेक्शन से जाकर के मिलती है तो दोस्तों हिम्मतनगर से आबू रोड के लिए एक सेक्शन और तैयार हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आने वाले टाइम में जो हिम्मतनगर से ये जो रूट आकर के मिल रहा है अहमदाबाद के लिए, तो आबू रोड से अहमदाबाद के लिए एक और रूट तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसमें ब्रॉड गेज के लिए जो भी काम किए जाने हैं 2026 तक पूरे हो सकते हैं। ये है आज का हमारा छोटा सा अपडेट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।